अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी विद येट अनदर टॉपिक और वेयर वी हैड लेफ्ट विद आवर कोर्स वाज ह्यूमन गेस्टुलेशन। और ह्यूमन गेस्टुलेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था और उसी के साथ हमारा जो गेस्टुलेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो थोड़ा सा लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर एक जनरली, क्योंकि वी वर सपोज्ड कि हम सिलेबस के मुताबिक हमने बर्ड्स के अंदर भी गेस्टुलेशन को डिस्कस करना था और एम्फीबियंस में अलग और फिर मैमल्स में और ह्यूमन में, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी वरंट एबल टू स्टडी दैट इन बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। और हमने जो है सी अर्चिन के बाद डायरेक्टली हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा, लेकिन कंक्लूसिवली हम ज़रा एक कंपैरिजन में आज छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें हम जो वर्टिब्रेट्स के अंदर गेस्टुलेशन और एक ओवरव्यू जो अभी तक जो हमने पढ़ा गेस्टुलेशन का प्रोसेस, तो उसको डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास वर्टिब्रेट्स में वो प्रोसेस कैसे होता है। डिटेल में नहीं, डिटेल में हम सी अर्चिन और ह्यूमंस का पढ़ चुके हैं। आज हम ज़रा एक इसको कंक्लूड करेंगे गेस्टुलेशन के टॉपिक को विद दिस। एक कंपैरेटिव चार्ट है हमारे पास जिसमें हम ज़रा देखेंगे कि डिफरेंट डेवलपमेंट्स और जो गेस्टुलेशन जो है वो कहाँ पे जाके एंड होता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ हम चार एग्जांपल्स लेकर चलेंगे, ज़ीब्रा फिश, फ्रॉग, चिकन एंड माउस। तो इसमें फर्स्ट में अर्ली क्लीवेज, हम क्लीवेज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके हम टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। और फिर है लेट क्लीवेज में हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं कि किस तरह से वो जो हमारे पास मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक और डिफरेंट क्लीवेज के टाइप्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में ऑन द बेसिस ऑफ योक स्टोरेज। उसमें ज़्यादा जो है वो योक रोल प्ले करता है, उसके डिटेल में नहीं जाते, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एंड रिजल्ट जो है गेस्टुलेशन का वो क्या होता है। फिर सो इन ज़ीब्रा फिश अगर हम देख लें, सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी क्लीवेज की जो भी टाइप है, तो कुछ रीजन्स हैं जो कि कॉमन है हमारे पास लेट क्लीवेज के अंदर। यहाँ पे उनको सर्कल किया गया है, आप देख सकते हैं ग्रीन सर्कल में, और उसको नाम दिया है NC। NC स्टैंड्स फॉर न्यूकूप सेंटर। ठीक है, न्यूकूप सेंटर क्या है कि ये वो एरियाज हैं कुछ जहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जो गेस्ट्रूला बनेगा, तो गेस्ट्रूला स्टेज में फिर दे डेवलप इनटू येट अनदर रीजन जिसको हम कहते हैं अच्छा, जो न्यूकूप सेंटर है वो क्या बेसिकली क्या है, जब हमारे पास क्लीवेज होती है तो लेट क्लीवेज के अंदर कुछ रीजन्स में सेल के ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एम्ब्रियोज के अंदर वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं। ये सेल्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि आई गेस एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको किया गया है न्यूकूप सेंटर, शायद उसने फर्स्ट उसको डिसऑरिन एनी हाउ डेट्स नॉट श्योर, कंफर्म कर लेंगे। लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके इन सेल्स से हमारे पास जब गेस्टुलेशन होती है, तो गेस्टुलेशन के स्टेज पे वहाँ उससे बनता है स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर। और स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर यहाँ पे SMO से डिनोटेड है, और गेस्ट्रोला के अंदर अर्ली गेस्ट्रोला में दे आर हाईलाइटेड देयर। ठीक है, यहाँ पे दूसरे केस में हमारे पास इधर नज़र आ रहा है, तीसरे में इधर नज़र आ रहा है, और फिर जो माउस है उसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, व्हाट डज दीज ऑर्गेनाइजर रीजन जो है ये क्या करते हैं, हमने जब हम गेस्टुलेशन स्टार्ट में पढ़ रहे थे तो हमने पैटर्न्स ऑफ सेल मूवमेंट्स पढ़े थे गेस्टुलेशन के, इपीबोली,
और जो है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन वगैरह वगैरह, अगेन उसकी डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पे क्या होता है, जब हमने पढ़ा कि लेट क्लीवेज में, लेट क्लीवेज में जब सेल्स के जर्मिनल लेयर्स बनने स्टार्ट होते हैं, गेस्टुलेशन स्टार्ट होती है, तो सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं, जिनकी मूवमेंट से फिर हमारे पास इंडोडर्म और वो दूसरे जो है जर्मिनल लेयर्स वो बनते हैं। तो जहाँ से सेल्स की इन्वेजिनेशन स्टार्ट होती है, उस ये वही सेल्स हैं जो न्यूक्लियस सेंटर और फिर SMO जो है ये रीजन है, यहाँ से सेल की जो है फिर सेल्स की अंदर की तरफ मूवमेंट्स से हमारे पास इंडोडर्म बनता है और फिर वो जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हम जब मूव करते हैं तो लेट गेस्ट्रुला स्टेज में जब गेस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाती है, हमने उस वो सी अर्चिन में पढ़ा और हमने ह्यूमन के अंदर पढ़ा, तो जब वो अपने जर्मिनल लेयर्स उनके बन जाते हैं तो वो किस तरह से, हाउ दे लुक लाइक और विच लेयर्स दे गिव राइज टू। तो लेट गेस्ट्रुला में अगर हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़े उसकी ज़ीब्रा फिश की, सो यहाँ पे आप देखें कि इफ़ यू रीड द कैप्शन ऑफ दिस फिगर, यहाँ पे इसको आप देख लें कि इंडोडर्म इज डिनोटेड इन येलो, एक्टोडर्म इन ब्लू एंड पर्पल कलर, एंड मीजोडर्म इज इन रेड कलर। तो यहाँ हम देखते हैं तो जो एक्टोडर्म है वो ब्लू में और पर्पल में शो हुआ है, विच मीन्स कि एक्टोडर्म से हमारे पास कौन से रीजन्स बनेंगे, यू नो स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनता है। तो जो पर्पल कलर है, डार्क है, वो आपको इपिडर्मिस नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ से आपकी स्किन बनती है। नेक्स्ट आप पर्पल देख सकते हैं, डॉटेड रीजन है, ये भी एक्टोडर्म का पार्ट है और यहाँ से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, किसमें, ज़ीब्रा फिश के अंदर। जो रेड से शो हुआ है दैट इज़ मीजोडर्म, मीजोडर्म में आप देख सकते हैं कि आप के पास जो टिश्यूज बनती हैं फिर मीजोडर्म से, तो उसमें आपके स्केलेटल सिस्टम्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, और जो है बाकी विजरल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन जो होते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पे ग्रीन से शो है और डिफरेंट आप एग्जांपल्स में इसको डिफरेंट लोकेशंस पे देखेंगे, जैसा कि फ्रॉग, चिकन एंड माउस में वो डिफरेंट उसकी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास फ़िश है, ज़ीब्रा फिश, तो उसमें आपको ये जो येलो पोर्शन, जो हाफ वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, नॉट येलो, बिकॉज येलो इज़ द एंडोडर्म विच इज़ शोन इन द येलो, और जो लाइट येलो है जिसको आप ऑफ वाइट कह सकते हैं, ये बेसिकली योक है, ठीक है, क्योंकि फ़िश है तो फ़िश के साथ आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे सारे, इसमें आपके पास जो लार्वी बनता है फ़िश का, इसको हम फ्राई कहते हैं, यंग लार्वी ऑफ फ़िश इज़ कॉल्ड फ्राई, तो फ्राई जो है उसके साथ योक अटैच होता है, ये बेसिकली योक यहाँ पर शो हुआ है। गट है फिर हमारे पास, गट यू नो एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो है। सोमाइट, सोमाइट हम पढ़ेंगे, सोमाइट बेसिकली अगर हम शॉर्टली पढ़े तो ये बॉडी सेगमेंट्स को कहते हैं, आप अर्थवर्म में पढ़ चुके हैं, इनवर्टिब्रेट बायोलॉजी में, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में आप पढ़ चुके हैं कि जो अर्थवर्म की बॉडी होती है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स, वी कॉल देम सोमाइट्स, और ये वो करैक्टर है जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है फिर ख़त्म हो जाता है, और इनवर्टिब्रेट में वर्म्स के अंदर वो परसिस्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक फ्रेगमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है, और सोमाइट्स वो सेगमेंट होते हैं जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो सेगमेंट्स हैं तो दोनों में सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फिर उसके अंदर मौजूद होते हैं उस सेगमेंट के अंदर, लेकिन ये परसिस्ट नहीं रहता अगेन, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बॉडी सेगमेंट्स इस तरह नहीं होते, एक एक ही ऑर्गन फिर बन जाते हैं एंड में, वो ख़त्म हो जाते हैं सोमाइट्स और फ्रेगमेंट्स, सेगमेंट्स ख़त्म हो जाती है और परसिस्ट नहीं रहता, फिर वो बॉडी आगे डेवलप हो जाती है। एनी हाउ, इफ़ वी लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, फ्रॉग में हमारे पास एम्फीबियन के केस में फिर ये है कि आपके पास वही कलर्स से शो किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और जो है अच्छा यहाँ पे एक दोनों में बल्कि चारों में आप देख लें तो जो नोटोकॉर्ड है
नोटोकॉड क्या है? नोटोकॉड आपने पढ़ा है कि कॉर्डेट्स की जब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी एक जनरल प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉर्डेट्स की, वो ये है कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस रॉड स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है, पहले वो बनता है। सो नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स की एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि उन सब में होती है, लेकिन एटलीस्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ कॉर्डेट्स में फिर जब आगे डेवलपमेंट होती है तो उस नोटोकॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है और उसकी उस वो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें मज़ीद फ्रेगमेंट्स बन जाती है, वर्टिब्री बन जाती है और उससे वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, वही नोटोकॉर्ड होता है जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, फिर आगे डेवलप हो जाता है हायर कॉर्डेट्स में। लेकिन कुछ हमारे पास कुछ फिशेस की ऐसी है जो अर्ली, ऑब्वियसली हमारे पास कॉर्डेट्स की जो फर्स्ट क्लासेस हैं वो फिशेस की हैं, और कुछ प्रिमेटिव फिशेस में, और आई गेस यस कुछ ऐसी हमारे पास आज भी फिश के ग्रुप्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, वो नोटोकॉर्ड ही उनमें रहता है। मैं अब एग्जैक्टली नाम भूल गया, कुछ ऐसी स्पीशीज़ का फिशेज़ के पर, बट दे डू अकर, और उनमें मेरीन फिशेज़ ज़्यादा हैं, वो अंडुलेटिंग मूवमेंट करते। एनी हाउ नोटोकॉर्ड जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें फिर आगे जाके उससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, तो वो बेसिकली मीजोडर्म से बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है और जो स्कल है और वर्टिब्रल कॉलम है, बिकॉज स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म, सो नोटोकॉर्ड यहाँ पे मीजोडर्म से बनता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे न्यूरोलेशन में तो जो इपिडर्मिस होता है स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन है वो उससे जो ये मीजोडर्मल टिश्यूज जो है वो रैप अप हो जाती हैं और उससे फिर वर्टिब्रल कॉलम बनता है। थर्ड एग्जांपल में आप अगर देखें तो चिकन में आपके पास थोड़ा डिफरेंट है पर वही अरेंजमेंट है, इसको आप हम डिटेल आप दोबारा सब में नहीं वो आप देख लें। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है गेस्टुलेशन ऑफ बर्ड, ये बर्ड्स एंड मैमल का जो चैप्टर 12 मैंने आप लोगों को दिया है, तो उसी के अंदर पेज नंबर 31 उस पर आप डिटेल में इसको खुद बैठ के पढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ले सकते, और सिमिलरली इन रेट्स। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आज की इम्पोर्टेंट जो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फेरेंगुला। जब लेट गेस्ट्रुला हमारे पास अगर फिशेज़ हैं और एम्फीबियन है तो उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो उनसे वाटर के अंदर बनता है, फिश है तो उसके उससे फ्राई बनेगा स्विमिंग लार्वी जो होता है, और एम्फीबियंस में उसको टेडपोल कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं उसको, और ये जो है इसको हम फेरेंगुला। अच्छा, टेडपोल और जो फ्राई है ये ज़रा एडवांस स्टेज है, उससे भी पहले लेट गेस्ट्रुला के बाद जो इमीडिएट स्ट्रक्चर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड फेरेंगुला। व्हाई दे आर कॉल्ड फेरेंगुला? बिकॉज उनमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है अर्ली स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स, तो उनके अंदर फेरेंक्स बन जाता है और फेरेंक्स के बेस पे उसको फेरेंगुला कहते हैं, लाइक डेड गेस्ट्रुला विच गिव राइज टू फेरेंक्स। ठीक है, और अगर आप इधर चिकन और माइस में देखें, माइस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मैमल्स। ठीक है, तो उसमें फिर इम्ब्रियो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर होती है दोनों के अंदर, तो वो फिर इस तरह सॉरी एक तो है एग के अंदर होती है चिक के अंदर, और जो राइस सॉरी नॉट राइस माइस जो है वो जो है उसमें आपके पास बॉडी के अंदर होती है और वो इट लुक्स लाइक दैट। सो वी कंक्लूडेड द चैप्टर ऑफ गेस्टुलेशन विद दिस शॉर्ट नोट जो कि बताना बहुत इम्पोर्टेंट था, और यहाँ पे हम मैंने हाईलाइट किया है, ये रीड करते हैं। दिस स्टेज विद अ फेरिंग्स अ सेंट्रल न्यूरल ट्यूब एंड नोटोकॉर्ड फ्लैंक्ड बाई सोमाइट्स एंड अ सेंसरी सिफेलिक हेड रीजन कैरेक्टराइजेज द वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स की जो अर्ली स्टेज है, फिर हम उसकी तरफ जब हम जाएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसके लिए ये फेरेंगुला जो है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि क्या है। एक फेरिंग्स होता है, सेंट्रल न्यूरल ट्यूब होता है, नोटोकॉर्ड होता है, और फ्लैंक्ड बाई सोमाइट्स। उसके साथ जो सोमाइट्स हमने कहा कि जो
फ्रेगमेंट्स होती है, वो तो परसिस्ट नहीं रहती, लेकिन उसके साथ फ्लैंकिंग होती है, वो उसके साथ फ्लैंकिंग मीन उसके साथ अटैच्ड होती है, फिर वो आगे जाके डिसइंटीग्रेट होकर, और वो इस तरह सेंसरी सिफेलिक हेड। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब नर्वस सिस्टम नहीं बना, फुल डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे हेड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नहीं बना, लेकिन कुछ सेंसरी रीजन होता है, कुछ कुछ जो है लाइक हीट हो गया, बेसिक जो सेंसेस हैं वो उसमें आ जाती हैं, सेंसरी रीजन होता है जिसको हम या क्या सिफेलिक रीजन कहते हैं, नॉट ट्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो देट वॉज अबाउट कंक्लूसिवली अबाउट क्या है, गेस्ट्रुलेशन। सो इसको हम ख़त्म करते हैं, देट इज़ एंडेड, और आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ ये वाला। नेक्स्ट हम ज़रा थोड़ा सा अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बल्कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सिलेबस के अंदर। तो हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का जो मेजर पोर्शन था वो हम कवर कर चुके थे, और क्लीवेज हमारा चैप्टर हम वो कर चुके थे, गेस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया हमारा जो आज का चैप्टर था। गेस्ट्रुलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम न्यूरोलेशन जो पढ़ेंगे कि अब नेक्स्ट जो है गेस्ट्रुलेशन के बाद कौन सी जो जर्मिनल लेयर्स हैं उससे कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है, कौन से जो है पार्ट्स बनेंगे बॉडी के, तो न्यूरल टिश्यूज़ बनेंगे बेसिकली। सो न्यूरोलेशन एक्टोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म आगे, और एंडोडर्म, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने आज आप लोगों को दे दी। तो अच्छा, एक टॉपिक चलिए इसको ज़रा डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट होगा मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, हम इसको कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, सॉरी, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो उनकी जो है उसमें फिर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल सेल एफिनिटी, सेल एडहेशन इन मॉलिक्यूल्स, और वो जो हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके, हमने कहा कि आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम इसमें पढ़ेंगे वो। अच्छा, मॉर्फोजेनेसिस के बाद इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, कि ऑर्गन्स फॉर्मेशन होती है, फिर जो है बॉडी कंप्लीट कैसे होती है, और वो फिर हम ज़रा ब्रीफ अकाउंट उसका है। बीच में मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के बीच में जो पोर्शन है, दैट इज़ ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, ये बीच में एक पोर्शन है जो हम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आरएनए प्रोसेसिंग है, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, सेल फेथ बाय प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेंट्स, कि हम उसने हम उसका हमने जिक्र किया था कि कुछ केमिकल जिसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं वो आगे जाके सेल्स को अपनी तरफ, अपने टारगेट की तरफ लेकर जाते हैं। फिर ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ टेराटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी इंडक्शन, इंडक्शन में फिर वही बात है, कुछ हम सेल टू सेल इंडक्शन, सेल इंडक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें हम सेल सिग्नलिंग वाली ही बात है, सेल सिग्नलिंग एक एक जनरल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। तो कोर्स को हम ज़रा जो है लेकर चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको ब्रीफली लेकिन सबको जो है वो कंक्लूड करें। अच्छा, अब अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट आज हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, लेकिन हम नेक्स्ट हमारा होगा न्यूरोलेशन, और ये जो इनके जर्मिनल लेयर्स की डेवलपमेंट है आगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फैट मैप्स। फैट मैप्स जो है ये गेस्ट्रुलेशन के चैप्टर में है, लेकिन हम नेक्स्ट वो टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो फैट मैप्स क्या है बेसिकली, थोड़ा सा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज ज़रा उसकी थोड़ी सी हम पढ़ते हैं कि क्या है उसमें प्रॉपर टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे। देखें, इधर है फैट मैप्स, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, और ये चैप्टर बेसिकली इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ आप देखें पेज नंबर 11 पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये हम जब पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको इसी बुक के चैप्टर्स आपको हाईलाइट करके दिए हैं, ठीक है, उसमें भी है नो डाउट, आप उसे, और लेकिन ये वही गिलबर्ट की बुक है, लेकिन
दिस इज़ अपडेटेड वर्जन, तो ये मुझे अभी मिली है, एक स्टूडेंट आपकी क्लास में जमाल ने मुझे दी है, थैंक्स फॉर दैट, आई वुड अक्नॉलेज हिम। मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं। वो इकबाल ने कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, तो मुझे उन स्टूडेंट्स से मोहब्बत है जो कि अपडेटेड बुक्स पे डालते हैं कमंद। तो उसने मुझे ये लिंक दिया और ये बड़ी बेस्ट बुक है गिलबर्ट की अपडेटेड, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम ये फॉलो करेंगे। फैट मैप्स की हम बात कर रहे थे तो वो टॉपिक हम इस चैप्टर से करेंगे, ये चैप्टर भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट। तो उसके अंदर वही टॉपिक्स बड़े अच्छे से रिपीट हुए हैं, अगर आप इससे भी देख सकते हैं। मकसद कहने का ये था कि इसमें वो टॉपिक्स भी रिपीट हुए हैं इस चैप्टर में, तो आप देख सकते हैं वो सारे जो है क्लीवेज के टाइप्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हमने पढ़े भी थे, फिर आप इसमें से देख सकते हैं। फिर इसी तरह गेस्ट रिलेशन की जो सेल की टाइप ऑफ सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गेस्ट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगेन हमने पढ़ा था इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, डीलेमिनेशन एंड इपिबोली, ठीक है। तो ये वो सारे सेल मूवमेंट्स हैं जिससे हमारे पास गेस्ट रिलेशन होती हैं। गेस्ट रिलेशन को यहाँ पे इसको उन्होंने डिस्कस किया है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम पढ़ चुके हैं उस पिछले चैप्टर में। हमने लॉकडाउन से पहले जो टॉपिक डिस्कस किए थे सी अर्चिन गेस्ट रिलेशन से पहले, हम ये वाला डिस्कस कर चुके थे कि एक्सिस ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस, इंटीरियर पोस्टीरियर वगैरह, और मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत एक क्लियर ज़बरदस्ती पिक्चर है कि गेस्टुला, जब हमने गेस्टुलेशन अभी पढ़ी तो गेस्टुलेशन के एंड में हम ये पढ़ते हैं कि तीन लेयर्स बनती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म और जर्म सेल्स, ठीक है। तो कौन से बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जो हैं वो कौन से लेयर से बनती हैं, तो जो एक्टोडर्म होता है वो बनता है, ये डिफरेंट कलर्स में शो है तो वो आपको नज़र आ रहा है कि जो रेड है वो मीजोडर्म है, येलो एंडोडर्म है एंड ब्लू जो है वो एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म से हमारे पास बनता है आउटर सरफेस, एपिडर्म ऑफ स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इस तरह दूसरे उसमें न्यूरल क्रेस्ट और पिगमेंट सेल्स, मेलानोसाइट्स जो है। फिर मीजोडर्म है, मीजोडर्म से हमारे पास बनते हैं नोटोकार्ड, बोन टिश्यूज़, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द किडनी, रेड ब्लड सेल्स, फेशियल मसल्स। फिर एंडोडर्म से हमारे पास बनता है स्टोमक सेल्स, थायराइड सेल्स, लंग सेल्स, ठीक है, और स्टोमक सेल्स मीन एलिमेंट्री कैनाल, एंडोडर्म से बनता है सारा का सारा। जर्म सेल्स फिर अलग हैं और वो हमारे पास होती है किस गोनेड्स के अंदर, गोनेड्स में फिर मेल्स और फीमेल, अच्छा ठीक है हो चुका है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे, और ये एक डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये आप लोगों ने पढ़ना है विद दिस बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो यहाँ तक जो है ये रीजन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, विद दिस डायग्राम। और वैसे ऊपर वाला तो वैसे भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा होगा फैट मैप्स, फैट मैप्स हम पढ़ेंगे, सो वो जो कि अलग टॉपिक है, सो सी यू इन दैट टॉपिक, और फिर हम आगे अपने कोर्स को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक।